नमस्कार और आप देख रहे हैं सीक्यू न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शाही एंट्री, प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया स्वागत, संसद में पहली बार अभिभाषण भी दिया। वित्त मंत्री का बजट भाषण, कहा सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खाते में भेजे। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा, वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया, प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की कोर्ट में याचिका, कुछ देर में सुनवाई फिर ईडी कोर्ट ले जाएगी। शिक्षा मंत्री बोले हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री, कहा ज्ञानवापी तो झांकी है मथुरा काशी, बाकी है अकबर महान नहीं बलात्कारी था। मणिशंकर अय्यर को घर खाली करने का नोटिस, उनकी बेटी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, RWA बोला सार्वजनिक माफी मांगे। मनोज जरांगे 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, कहा 70 साल में पहली बार आरक्षण को लेकर मराठा इतने मजबूत, सरकार कानून लागू करे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी बोले सत्ता में आए तो देश में जाति जनगणना कराएंगे। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन बारिश, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, अगले 4 दिन का अलर्ट। IT नियमों पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 जज बटे, तीसरे के पास जाएगा मामला, फेक न्यूज पर नए IT नियमों के खिलाफ याचिकाओं का मामला। भारत अमेरिका के बीच MQ-9 ड्रोन रेल, बाइडेन ने अमेरिकी संसद में अभी तक नहीं दी जानकारी, दावा पन्नू मामले के चलते प्रोसेस धीमा हुआ। अमेरिकी सांसद बोले जुकरबर्ग आपके हाथ खून से रंगे हैं, कहा आपने ऐसी चीज बनाई जिनसे लोग मर रहे हैं, मेटा के CEO ने माफी मांगी। मालदीव का विपक्ष बोला मोइजू प्रशासन अपराधियों को बचा रहा, आरोप लगाते हुए कहा सरकारी अधिकारियों की क्रिमिनल गैंग के साथ साझेदारी। भारतीय पुजारियों को वीजा नहीं, ब्रिटेन के 50 मंदिर बंद, भारतीय मूल के PM ऋषि सुनक से भारतवंशी नाराज। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक आज, 2 फरवरी से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र, 7.50 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। चुनावी साल का बजट, बिहार को उम्मीदें ज्यादा, कांग्रेस की मांग बिहार में कारखाने खोले जाएं, किसानों को राहत दे सरकार। बिहार म्यूजियम में लगेगी 2 कलाकारों की प्रदर्शनी, प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन, विजेताओं को मिलेगा नगद इनाम। रेलवे में 10वीं पास के लिए 2000 से ज्यादा भर्ती, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकली। लीच भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, इंग्लिश कप्तान ने कंफर्म किया, बोले मुझे भरोसा बसीर जैक की जिम्मेदारी उठाएंगे। रणबीर कपूर की तारीफ में बोली रश्मिका मंदाना, उनका महिलाओं का सम्मान करना मुझे पसंद है, सिद्धार्थ ने मिशन मजनू में बहुत सपोर्ट किया था। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, दिन भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।